हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। आज के इस एपिसोड में बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है आज के ये एपिसोड। न्यू अपडेट्स लाए हैं आपके लिए। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आता है वो है व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप में आ रहे हैं दो नए फीचर्स। सबसे पहले जो फीचर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप में, आप टेक्स्ट किसी की तरफ सेंड करते हैं तो आपको जो है टेक्स्ट प्रीव्यू नहीं मिलता था, डायरेक्ट उसके पास सेंड हो जाता था। लेकिन अब आप जो भी सेंड करेंगे वो टेक्स्ट आपको पहले प्रीव्यू होगा, उसके बाद वो सेंड होगा। तो समझता हूं ये काफी अच्छा फीचर है। दूसरा जो फीचर व्हाट्सएप में आने वाला है वो है एड्स ऑप्शन। तो एड्स चला करेंगे व्हाट्सएप पर भी, जैसे यूट्यूब पर एड चलते हैं। तो यहां अगर ज्यादा एड चलने लग गए तो दोस्तों कहीं लोगों को तंग आकर दूसरी एप्स पर ना जाना पड़े। तो देखते हैं क्या होता है। जो अपडेट हमारे पास वो है Huawei Nova 4 के बारे में। तो Huawei Nova 4 आने वाला है, जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसकी कोई लॉन्चिंग डेट नहीं आई, लेकिन इसमें बताया गया है कि इसमें जो है नॉचलेस डिस्प्ले दिया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इसमें जो डिस्प्ले में हमें सिर्फ होल मिलेगा, डिस्प्ले फुल व्यू में मिलेगा। तो ये नॉच से मैं समझता हूं कि काफी बेहतर होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो है Vivo Next 2 के बारे में। तो Vivo लॉन्च करने वाला है अपना नया फोन ड्यूअल डिस्प्ले फोन। तो इसकी डिटेल सामने आ चुकी है कि ये जो होने वाला है बेजल डिस्प्ले फोन फ्रंट पे, एंड उसके बाद ये जो फोन है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। तो लॉन्चिंग डेट अभी सामने नहीं आई, एंड उसके बाद जो है इसका डिजाइन बहुत ही कूल लग रहा है। तो देखेंगे क्या करता है Vivo Next 2। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है Honor 8C। Huawei का फोन लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। तो पाकिस्तान में ये फोन कब आएगा इसका कोई पता नहीं चला। एंड उसके बाद ये फोन के बारे में डिटेल सामने आई है कि 4GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज आएगी। 64GB इंटरनल स्टोरेज भी आ सकती है इस फोन में। लेकिन जो सबसे खास बात है इस फोन के बारे में वो है इस फोन का प्रोसेसर, Qualcomm Snapdragon 632 आने वाला है इस फोन में। तो यहां जो है ये नया प्रोसेसर है, देखेंगे क्या कमाल करता है ये फोन। 5.8 इंच के नॉर्मल डिस्प्ले के साथ ये फोन आएगा, तो देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक में आने वाला एक नया फीचर, फेसबुक कमेंट मॉडरेशन। लोग आपकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, ये आने वाला है फीचर। लेकिन ये फीचर फिलहाल टेस्टिंग में है। तो ये फीचर अपडेट होगा 2019 में, काफी अच्छा फीचर होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है आईफोन XR रेड एडिशन के बारे में। तो XR में रेड एडिशन लॉन्च कर दिया है आईफोन ने 1 दिसंबर को। तो यहां जो आईफोन रेड एडिशन बनाता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो HIV रिसर्च को जाता है। तो रेड एडिशन के कुछ हिस्सा जो है वो आईफोन उन्हें डोनेट करता है HIV के पेशेंट्स को। तो डोनेशन वाली बात तो काफी अच्छी है आईफोन की, लेकिन प्राइस काफी ओवर रख दी गई है XR की, तो इसे खरीदना काफी मुश्किल है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है फ्री इंटरनेट मिलने वाला है आपको। तो चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी है कि सैटेलाइट के जरिए हर कोई फ्री इंटरनेट यूज कर सकता है। तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों कि ये अगर ऐसा हो गया तो जमीन के किसी हिस्से, रेगिस्तान में हो, समंदर में हो, कहीं भी हो, तो आपको मिल जाएगा फ्री इंटरनेट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये हो जाए, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है वो हमें समझ नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारे पास अपडेट है वो है मीडिया टेक के बारे में। मीडिया टेक ने बना लिया एक नया प्रोसेसर, मीडिया टेक हीलियो P90। तो डायरेक्ट P70 से P90 बना लिया है, P80 हो गया है गायब। तो देखेंगे P90 क्या करने वाला है कमाल। लॉन्च होने वाला ये प्रोसेसर 13 दिसंबर को। तो देखेंगे किस फोन में ये प्रोसेसर आएगा। लास्ट में जो हमारे पास अपडेट है वो है सैमसंग S10 की डिटेल्स हमारे पास कुछ सामने आई हैं कि 2-2 फिंगरप्रिंट्स होने वाले हैं इस फोन में। फिंगरप्रिंट्स का क्या काम होगा, क्या वर्क होगा इस फोन में, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे हम दोनों फिंगरप्रिंट्स यूज कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे जब ये आएगा फोन। डेट्स जो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने चैनल जरूर कर दिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।